सेक्टर लाए धोखा है, पब्लिक सेक्टर को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो इस संसद पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, और इस बजट पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। तो बीजेपी डाउन डाउन, डाउन डाउन, डाउन डाउन, और बेरोजगारी पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, तो इस संसद पे हल्ला बोल, हल्ला बोल। सबसे लंबा बजट भाषण का नीचे कर दो, 2 घंटे और 40 मिनट उन्होंने बोली, लेकिन इस लंबे भाषण में उन्होंने हमारे देश के सामने जो आज आर्थिक संकट है, जो मंदी है, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहे। उल्टा उन्होंने इस बजट के माध्यम से, जो उन्होंने बजट में कदम उठाने की बात कही है, उससे हमारे देश में आर्थिक संकट और गहरा होने वाला, और मंदी होने वाली है, और बेरोजगारी बढ़ने वाली है, और किसानों पर बोझ डालने वाला है। इस बजट में कोई भी ऐसे कदम उठाया नहीं गया है जिससे हमारे देश के जो बेरोजगारी की अभी गति है, जो 45 साल में सबसे ऊंचे रेट पर है, उस बेरोजगारी को हल करने के लिए, समस्या हल करने के लिए उन्होंने कुछ सुझाव नहीं दिया कि हमारे देश के सबसे बड़ी वित्तीय संस्था जो है LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, उसके शेयर्स को बेचने के लिए, उसके पहले उन्होंने तय किया था भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को बेचने के लिए, लाखों करोड़ों के पब्लिक संपत्ति जो है, पब्लिक एसेट्स को बेच के उसके घाटा पूरा करने के लिए वो फैसला किया है।